बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को देगी बिरयानी बता रही हूँ, बीफ का, बीफ और आलू। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है ये वाला। बिल्कुल सादा सिंपल है, घर के मसाले से, कोई ख़ास मसाला भी इसमें नहीं डलता है। देगी मसाला बिल्कुल, देखिए ये आलू है, गोश्त है गाय का, और ये मैं इतना गर्म मसाला ले लिया, इसको बारीक मैं पीस लूँगी। ये देखिए, एक कप भर के ऑयल डाल दिया, ऑयल इसके अलावा नहीं डालूँगी, बस यही ऑयल इतना ही होगा। और ये देखें, हम 5 से 6 प्याज काट लिया बारीक और इसको फ्राई कर लिया कुकर में। मैं कुकर में इसलिए बताती हूँ कि टाइम कम होता है, दूसरी बात ये कि मुझे कुकर में ना जल्दी समझ में आता है बनाना, पतीली में मैं पकाती नहीं हूँ गोश्त वगैरह। ये देखें, मैं बारीक पीस ले रही हूँ गरम मसाला, इतना मैंने रखा था वो। और ये टमाटर है, कम से कम 6 से 7 टमाटर आप काट लें इसको। काटने के बाद उसमें आप जितना मसाला, ये देखें मैंने काट लिया, इसमें हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच कूटी मिर्च, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच पीसी मिर्च, क्योंकि मसाला आप डालेंगे नहीं तो यही मसाला बहुत होगा। और ये देखिए, काली मिर्ची 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दें, चम्मच मेरा छोटा होता है इसलिए 1.5 चम्मच आपको बताते हैं। और ये है हल्दी, वो धनिया पाउडर है, ये मेरा गरम मसाला है, इसमें मैं 1/2 पाव दही डाल दूँगी और इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसको। ये देखें, मैं अच्छी तरह मिक्स कर ली। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो गया थोड़ा हल्का लाइट सा, और क्योंकि कुकर में बनाते हैं तो इतना ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं। और ये गोश्त है, आलू है, इसको अच्छी तरह थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और इसमें ये जो मसाला मैंने बनाया है, नमक 2 चम्मच डाले बस, और इसको कुकर में डालते हैं इस मसाले को। और बहुत मज़े का, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में और मुझे ज़रूर बताया कीजिए, सपोर्ट इसी तरह मुझे किया करें। ये देखें, इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे, 1.5 गिलास नहीं डालेंगे, इसलिए 20 मिनट बहुत होता है, ये पानी खुश्क हो जाएगा। बस 1 गिलास डाल दे पानी, और कुकर बहुत तेज़ आंच नहीं रखें, दरमियाना रखें, और ये 20 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा गोश्त। और ये देखिए, एक तरफ मैंने पानी ले लिया, उसमें गरम मसाला खड़ा डालेंगे, और इसमें पुदीना है, ज़ीरा है, पुदीना, हरी मिर्च वो मैं काट के डाल दूँगी, और नींबू भी डालूँगी एक काट के। इससे चावल जो है वो खिला खिला सा होता है, चपकता नहीं है। आप इसमें जैसे खिला खिला बड़ा बड़ा से दाना, आपको लंबे लंबे से दाने लगेंगे इसमें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सपोर्ट किया कीजिए मुझे। और ये देखें, मैं 4 चम्मच इसमें पानी डाल दी, वो नमक डाल दी, और ये चावल, पानी उबल गया और मैं चावल डाल दी। और मैं चावल सिर्फ, मैं 3 पाव में चावल बना रही हूँ, और इसमें 1/2 किलो मैं गोश्त ले ली, ज़्यादा गोश्त नहीं, 1/2 किलो बहुत होगा इसमें। ये देखें, मेरा चावल बस तैयार होने वाला है, तैयार होगा और इसको दम पे लगा देंगे। कुकर अभी मैं खोलूँगी, ये देखें कुकर को, तेल इसमें से निकाली, आलू अलग कर ली मैं तेल के साथ। और ये देखिए, दम पे चावल रखूँगी, इसमें पुदीना है और हरी मिर्च काट के डाल दिया, और उसके बाद इसमें मैं तह लगाऊँगी चावल का। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत खिला खिला सा चावल होता है, बिल्कुल देगी बिरयानी आप पहचान नहीं पाएंगी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है। ये देखिए, आलू मैं ऊपर से डालूँगी और ऑयल भी ऊपर से डालूँगी। ये देखिए, मैं डाल दी, और ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ऐसे लाइक कीजिए मुझे, और देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।